देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार दोनों मिलकर जल के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज के लिए बहुत जरूरी है कि पानी की कभी बाधा ना बने, इसलिए देश की नदियों के जल का सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये मोदी सरकार की और योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। इनकी दूरदर्शिता ही है थी कि उन्होंने पानी के विषय को समग्र रूप से देखने की दृष्टिकोण से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और उस दिशा में सभी ने एकजुट होकर कार्य करना शुरू किया। लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की बात कही थी, जिसके बाद से भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचय के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए। जल जीवन मिशन से हर घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लिया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जलापूर्ति देने के साथ ही रोजगार जुटाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। संविदा के आधार पर प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन जैसे पद सृजित किए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। हर घर नल योजना के अंतर्गत प्रदेश के पॉलिटेक्निक छात्रों की तकनीकी प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें रोजगार से जोड़ने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में योजना के तहत रोजगार के कई नई संभावनाओं को भी जमीन पर उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से 40 वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजनाएं मात्र 4 वर्षों में पूरी हुई हैं। 9,800 करोड़ की लागत से पूरी हुई शहरी नहर राष्ट्रीय परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2021 में राष्ट्र को समर्पित किया। इस योजना से बलरामपुर के साथ साथ बहराइच, गोड़ा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर के लोगों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार डबल इंजन की सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से अटल जी के सपने को साकार किया है। साथ ही साथ बुंदेलखंड में रह रहे लोगों के जीवन में बड़े सुधार लाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए कैच द रेन नाम के महाअभियान की शुरुआत की है, जिसे सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। आज आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों से भी कामना करता हूं कि वह भी अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी को समझते हुए जल का उचित रूप से उपयोग करें। आने वाली पीढ़ी को हमें सुरक्षित और पर्याप्त पानी देना है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए हम तय करें कि पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम पानी का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। माननीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम सभी प्रदेशवासी निश्चित ही जल प्रबंधन, जल संचयन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जल शक्ति मंत्री होने के नाते मैं आप सभी के सहयोग का आकांक्षा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।